और पीछे वाला जो बेड है इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ किरण ने कर दी है नाश्ते की तैयारी। आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, AMS होता है तो उसके लिए भी दवाई है। तो ये देखिए जी, सामने जो पहाड़ है यहाँ से स्नो लेपर्ड वगैरह का एरिया है और ये गुफा है इनकी। और डिनर में क्या बन रहा है जी आज? मैं हूँ जादू पर कुकु और मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। तो घर के बाहर भी ऐसे फुलके खाने को मिल रहे हैं तो क्या ही कहने। तो आज तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा day 5। अभी अभी हुई है सुबह, हम लोग उठ चुके हैं और गाड़ी के अंदर हैं अभी भी। ये देखिए सो रहे हैं अभी गाड़ी के अंदर, बस जस्ट अभी आंख खुली है हमारी। और कल रात हम लोगों ने यही ताबो में होम स्टे था एक, उसी के पास में अपनी गाड़ी लगा ली थी, गाड़ी के अंदर ही सो गए थे। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे तो आप पिछले ब्लॉग में जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा क्या प्लान है कुकू? आज का हमारा प्लान है कि हम ताबो में केव देखने जाएंगे। यस तो और ताबो वाला स्ट्रिप। यस, और बाहर का क्या सीन है, मैं अभी आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमने दरवाजा अभी खोला है और बाहर का सीन मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए बाहर का कुछ इस तरह का हाल है अभी, और धूप आ चुकी है पहाड़ों में और मैं भी उठ चुका हूँ। कुकु भी अब बाहर निकल रहा है। तो अभी फिलहाल सबसे पहला टास्क ये है कि जितने भी हमारे सामान हमने एडजस्ट किए थे, जैसे ये देखिए रात में ये सारा सामान आगे रख दिया था, तो इसको फिर से वापस रिवर्स करेंगे और पीछे वाला जो बेड है इसको फोल्ड करेंगे और जो अपने सामान वगैरह हैं उनको आगे रखेंगे। तो देखिए जी, गाड़ी हमारी हो चुकी है सेट चलने के लिए और सामान जो है वो पीछे जा चुका है, और जो पीछे का हमने बेड खोला था वो भी फोल्ड कर दिया है। और यहाँ किरण ने कर दी है नाश्ते की तैयारी। और ये देखिए क्या क्या है नाश्ते में। ओके, तो ये दूध है जी, दूध गर्म हो चुका है। उधर ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है। एक्चुअली हमने इसको ठूस के रखा था गाड़ी के अंदर डब्बे के अंदर, तो ये इस तरह से थोड़ा सा हो गया। बाकी ये ब्रेड है, उधर हमारा घी है, घी ब्रेड हमने सेक दिए हैं। और ये कि ये टमाटर प्याज के लिए क्या है, इसके लिए क्या है? ये दिन का है। अच्छा, लंच के लिए। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, अब लंच की तैयारी चल रही है उधर। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता था, ये अपना मेडिकल बॉक्स है, इसमें सारी दवाइयां रहती हैं हमारी, जो भी जरूरत की दवाइयां होती हैं A to Z। तो ये देखिए ये सारी दवाइयां हैं, बच्चे की दवाइयां रखी हुई हैं, इसकी ऑलमोस्ट सारे लिक्विड जितने होते हैं वो रखे हुए हैं। ORS रखा हुआ है, अभी तक जरूरत तो पड़ी नहीं ORS की हमको, ओडोमॉस रखा हुआ है। और दवाइयों की इस तरह से कुछ मैंने लिस्ट बना लेता हूं, मैं एक बार दिखा लेता हूं। ये देखिए तो इसमें हमारे पास क्या क्या दवाइयां हैं, पेन किलर है, एसिडिटी है, फ्लू कोल्ड है, वॉमिटिंग है, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लूज मोशंस के लिए है, फूड पॉइजनिंग के लिए है, और अगर आप AMS, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं AMS होता है तो उसके लिए भी दवाई है, डायमॉक्स 250, अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसकी हमारे पास। सिट्राजीन है, एंटी एलर्जिक दवाई है हमारे पास में, और ओडोमॉस, वॉलिनी, बीटाडीन, जंडूबाम, डेटॉल, वैसलीन, पुदीन हरा, इनो, सनस्क्रीन, आइडक्स, क्रैप बैंडेज, बैंडेज प्लस पट्टी, इनो, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास रहती हैं। इसके अलावा एक हम हॉट वाटर बॉटल भी लेके चलते हैं,
जिससे कि अगर रात में मान लीजिए ज़्यादा ही ठंड हुआ तो हॉट वाटर बॉटल बिस्तर के अंदर डाल के सिकाई विकाई कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी मेडिसिन बॉक्स है, बहुत ज़रूरी है, आप भी इसको तो लेके ये है जी चलिए। अभी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद का हाल। अभी हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास टाइम है, उधर गाड़ी हमने ओपन करके रख दी है, थोड़ा सामान वगैरह सेट कर दिया है, और उधर जो है वो किरण अपना क्लीनिंग का काम कर रही है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पीछे एक डॉगी भी है, वो पिंजरे में बंद कर रखा है। फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम आपको आंटी का बगीचा दिखाते हैं, जहाँ हम ताबो में रुके हुए हैं, होम स्टे जो इनका है, और यहाँ पे जो इनके एप्पल का बगीचा है और जो खेती करते हैं ये लोग, वो हम आपको दिखाते हैं। चलो जी, तो आपको दिखाएं यहाँ का बगीचा। ये जो है यहाँ से नहर जा रही है, और ये पानी ऊपर पहाड़ों से आता है, वो ऊपर दिख रहा है आपको, हाँ जो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं वहां से पानी आता है ये। तो ये देखिए जी सामने जो पहाड़ है, यहाँ से स्नो लेपर्ड वगैरह का एरिया है पूरा, यहाँ से स्नो लेपर्ड वगैरह आते हैं। और इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ से आंटी बता रही थी कि यहाँ से जो जंगली बकरियाँ होती हैं वो आती हैं, पूरा नीचे चढ़ करके आती हैं, और इनके खेत में जो है वो घास वास खाने के लिए आ जाती है यहाँ पे। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कुत्ते पाल रखे हैं इन्होंने, और वो जबरदस्त खूंखार कुत्ते हैं, तो वो कुत्ता छोड़ देते हैं, वो भाग आते हैं फिर उनको, बकरियों को, वो यहाँ से फिर इस पहाड़ से चढ़ के पीछे की तरफ चली जाती है। और ऊपर देखिए, वहाँ शायद ऊपर अभी भी वो बारिश वगैरह स्नोफॉल हो रहा है, और वो वहाँ देखिए ऊपर पहाड़ों में, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे बर्फ जो है मेल्ट होकर के आ रही है, नीचे झरने बह रहे हैं जगह जगह पे। अभी फिलहाल इस नहर के रास्ते हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसल भी है इन लोगों की, तो फसल को नुकसान ना पहुंचे ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये है एप्पल के पेड़, और एप्पल देखिए मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एप्पल दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये सारे एप्पल है, ये कुकू सारे एप्पल है, देखो तो पपाया जैसे लग रहे हैं। पपाया अभी छोटे हैं ना वो, इसीलिए अभी जब ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो देन यू विल सी बड़े बड़े एप्पल। देखो खूब सारे एप्पल लगे हुए हैं, अभी बहुत छोटे हैं, अक्टूबर के आसपास ये पकते हैं। और इनका यहाँ पे जो आंटी हैं, अंकल हैं, इनका नेचर बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोगों का नेचर देखा मैंने, बहुत अच्छा है। इवन जब हम लोग कल बर्तन वगैरह धो रहे थे तो आंटी ने बोला कि गर्म पानी चाहिए, तो हम पानी कर देते हैं। तो ये सारा कैंप्स हैं, आप कभी भी आएँ तो यहाँ स्टे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। इवन यहाँ पे जो है वो वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं, शहर के बीच में नहीं है, ताबो में जाएंगे आपको शहर के बीच में बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे। ये ताबो से 4 किलोमीटर पहले है। तो ये एप्पल का जो पत्ते रहते हैं ना, उसको इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, ये खाद वगैरह के लिए रखा हुआ है, जिससे कि खाद वगैरह बन जाए। ये सारा एप्पल ऑर्चर्ड है आंटी का। तो आगे स्पीति रिवर है, कल आपने देखा होगा, कल के ब्लॉग में, उसमें हम लोगों ने स्पीति रिवर के पास में कैंप करने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई साहब इतनी तेज हवा थी वहां पे कि हम लोगों ने अपना एक बारी को सेटअप निकाला और दूसरी बारी तुरंत रख दिया वापस अंदर, क्योंकि इतने तेज, हाँ तो इतनी तेज हवा थी कि बता नहीं सकते वहां पे। और पीछे देखिए स्पीति नदी का नजारा, वाह। ये देखिए, तो स्नो लेपर्ड वगैरह जो है वो उधर से ऊपर की तरफ से कहीं से इधर से आते हैं बता रही थी आंटी, और यहाँ आकर के पानी वानी पी करके फिर ऊपर निकल जाते हैं अपना। तो ये है, तो लंच का जिम्मा जो है वह हमने संभाल लिया है, सामने इसमें तेल गरम हो रहा है, इधर बनाएंगे नमकीन चावल। तो ये चावल और आलू भिगाने रख दिए हैं, इधर है प्याज टमाटर, और हवा यहाँ पे बहुत तेज चलने लग गई है तो फटाफट बनाते हैं। तो ये गया जी इसमें जीरा, तो प्याज डालने के बाद अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक, इससे जो है प्याज जो ब्राउन होने में जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है अभी, ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो ये चले गए इसमें टमाटर भी, नमक हमने पहले से डाल दिया था, अब इसमें हम 3 मसाले डालेंगे और। तो पहला मसाला ये गई हमारी हल्दी, तो जी ये गया इसमें धनिया, और जो लास्ट मसाला इसमें डालूंगा वो है कैच का किचन किंग सब्जी मसाला, तो ये भी डालते हैं इसमें। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है मसाला, ये देखिए आराम से मसाले भून के ये बढ़िया से रेडी हो गया। अब इसमें डाल देंगे चावल और लगाएंगे इसमें सीटी। ये देखिए चावल भी इसमें जा चुका है, और
चावल और आलू और नमकीन चावल हम बना रहे हैं, इसमें चावल और आलू डाला हुआ है हमने बस, और बाकी सारे मसाले आपने देखे ही हैं। तो ये देखिए जी, जब बाहर ज्यादा ही हवा चलने लग जाती है खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए दूसरा इंतजाम इस तरह से करना पड़ता है। ये अंदर रख करके गाड़ी बंद करके यहाँ पे आराम से सीढ़ी आ जाएंगी, कोई हवा वगैरह का कोई इशू नहीं है, गैस भी कम खर्च होगी और जल्दी भी बन जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं ताबो केव, ब्रेकफास्ट कर लिया था और लंच भी हमने बना के रख लिया है, और फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग मॉनेस्ट्री, क्योंकि अभी उनका लंच टाइम है 1:30 अभी टाइम हो रहा है, 2 बजे तक उनका लंच टाइम होता है, तो 2 बजे के बाद हम मॉनेस्ट्री जाएंगे। ये है जी ताबो का पोस्ट ऑफिस, अभी आपको वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी दिखाएंगे हम हिक्किम में। तो फिलहाल अभी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ताबो केव्स देखने के लिए। तो ताबो केव्स आप ऊपर रास्ता है, यहाँ कहीं पहाड़ों के बीच में वो थोड़ा सा दिख रहा है। अभी 5वीं 6वीं सीढ़ी चढ़ी है ऊपर से और कुकू के नखरे शुरू हो गए वहाँ पे, वो देखो ड्रामा दिखाना शुरू हो गया, वो देखो ड्रामा। तो टैब देखने में सर नहीं चक रहा था, वो देखो पीछे आपका फ्रेंड आ गया, वो देखो कितने जबरदस्त तो है ना, यहाँ पे बोन देखो उसकी कितने सॉलिड बोन है। तो ये देखिए जी केव्स दिखनी शुरू हो गई है, एक उधर है। तो अभी वहीं जाना है हमको, ज्यादा ऊपर नहीं है लेकिन ये है कि सांस फूल रही है, थोड़ा सा धीरे धीरे चढ़ के जाने में ही फायदा है। बाकी वो देखिए वहां पे एक हाउस भी बना हुआ है, और टेरेन देखो कितना ऐसा लग रहा है कि ऊपर से आओ फिसल के। चाइना है तो इसके पास में ही है, फिर थोड़ा सा ही तो पास में चाइना है, चलना है आपको चाइना में, चाइनीज वाला मुंह बना के दिखाओ एक बार, ये देखो। तो इसने ट्रेनिंग ली हुई है, ये जो दिख रहा है आपको ये पानी की पाइपलाइंस है, और ये पाइपलाइंस पहाड़ों पे ऐसे ऐसे बिल्कुल इसी लेवल पे पूरे पहाड़ पे ऐसे ऐसे गई है, और ऊपर टॉप में जहाँ पे बर्फ के पहाड़ है वहां से पानी सप्लाई होता है। हम लोग आ चुके हैं ताबो केव्स में, और ये देखिए ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपको एक बार पूरा नजारा दिखाएं यहाँ से कि पीछे किस तरह का है। तो ये देखिए ये पीछे आपको दिख रहा है ताबो शहर, ये पूरा ताबो सिटी है, और ये पीछे देखिए कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, और एक बार और आपको राउंड लेकर के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक चढ़ने में, और लेकिन अल्टीमेट है। खराब हो गई यहाँ पे चढ़ते। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम ताबो केव्स, पहली केव जो है वो यहाँ है, तो इसके अंदर जाके देखिए, ये देखिए, और ये यहाँ से ऊपर कुछ हार्ड से स्टोन्स भी हैं। तो ये पहली केव है, ये देखिए केव के अंदर से बाहर का नजारा, ये देखिए छत बहुत ऊंचाई पे है, तो ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से पूरा ताबो शहर का नजारा है। ये यहाँ से दूसरी केव एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी, देखिए, और ये है अंदर एक और केव्स, और यहाँ पे तो अंदर पूरा इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं वो मेडिटेशन वगैरह के लिए आते हैं। तो ये है ताबो केव्स, और पहाड़ से ऊपर जमीन से, मतलब ये मान के चलिए वहाँ से रोड से इतना ट्रैकिंग करके हम ऊपर आए हैं। किरण लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो देखिए क्योंकि थोड़ा सा हाइट थी यहाँ पे। तो ये देखिए एक और केव्स है, तो यहाँ से ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, आहा सुंदर, बहुत ही मनमोहक। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे केव, ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है तो पैर को जमा के चलना पड़ रहा है, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस है। ये वाला रास्ता, अब ये देखिए ये वाला सही है। तो ये देखिए जी ताबो केव्स इधर इस साइड में है, यहाँ इसमें पूरी ताबो केव्स है इस पहाड़ी में, और ये इनका स्मारक है, और यहाँ पे इन्होंने पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई है। तो अभी जा रहे हैं पेंटिंग्स देखने के लिए, अंदर पेंटिंग्स अलाउड नहीं है लेकिन जहाँ तक अलाउड होगा मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। नीचे वही ताबो सिटी का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये है पुराना स्मारक इनका, और यहाँ से हम लोग अंदर जाते हुए। तो ये रूम है जी, ये देखिए, ये देखिए जी यहाँ पे, हाँ तो इसके अंदर ये केव्स है, और इसी तरह से इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है पुराना, और यहाँ देखिए अंदर ऊपर ये पत्ते हैं, एप्पल के पत्ते हैं, और ये गुफा है इनकी, वाव कितना सुंदर बनाया गया है, और ये पूरा मढ़ का है आप देखेंगे,
ये पूरी मड है, इसके अंदर यहाँ पे रह करके मॉन्क्स अपना मेडिटेशन एंड तपस्या वगैरह करते हैं। तो इसके अंदर अभी हम टॉर्च लेकर के जाएंगे, वो देख सकते हैं। और अंदर अभी हम लोग पेंटिंग्स हैं तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए शूटिंग नहीं करेंगे और अलाउड भी नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने इसके अंदर जाकर के देखा, यहाँ पे फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी तो फोटोग्राफी हम अंदर कर नहीं पाए। फिर भी बाहर की जो केव थी वो हमने फोटो वीडियोग्राफी करी, वो आपने अभी देखा होगा। और अंदर जो इनका मेन केव है वो इनके एंशियंट जो बौद्ध लोग थे उन लोगों ने यहाँ पे वहाँ वो हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, सारी भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, पूजा अर्चना करते हुए ध्यान करते हुए उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे इसके अंदर दिया वगैरह जलाना भी अलाउड नहीं है क्योंकि जो पेंटिंग्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं ये, और इसके अंदर कोई भी आप फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है ताकि फोटोज वगैरह को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक लालटेन जो होती है सोलर लालटेन, उसके थ्रू हम लोग अंदर गए थे, हम लोगों को दिखाया उन्होंने। और जो यहाँ के जो देखते हैं केयर टेकर, वो यहाँ के लोकल लोग हैं और गाँव के लोग ही यहाँ पर आकर के विजिट आपको कराते हैं। उन्हीं की आप विजिटिंग में आप अंदर जाएंगे देखेंगे और बारी बारी से उनका टर्न आता है जो आपको अंदर ले जा करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन कराएंगे। तो हम लोग भी करीब 10 से 15 मिनट यहाँ पे बैठे, मेडिटेशन हमने किया और बाहर आके हमको ऐसा लगा कि एक दुनिया बिल्कुल चेंज है। इतना शांति थी माइंड में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं मेडिटेशन करने के लिए कि आप सुबह नहा के आइए और आप 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटा आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, आपके दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। तो हम लोग भी यहाँ पे करीब 15 मिनट बैठे, बहुत ही अच्छा लगा, मन की शांति लगी। तो ये ताबो में जो इनका स्मारक है, ये ताबो केव्स के पास में ही है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही शांति लगेगी आपको। तो चलिए चलते हैं आगे और अब देखते हैं ताबो मोनेस्ट्री, नीचे आपको दिखाऊं मैं। तो नीचे ताबो मोनेस्ट्री दिख रही है और अभी इसी ताबो मोनेस्ट्री को जाकर के हम विजिट करेंगे। तो जी ताबो केव्स देख के हम आ चुके थे, उसके बाद लगी है भूख क्योंकि ऊपर चढ़े थे उसके बाद नीचे उतरे थे। तो अभी हम खा रहे हैं, सुबह हमने जो बनाए थे चावल, नमकीन चावल, बहुत बहुत लाजवाब टेस्ट है इनका। और ये देखिए घर का बना हुआ खाने का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो अभी हम खा रहे हैं एकदम देसी स्टाइल में हाथ से और इसका मजा अलग ही है। तो अपना तो हो चुका है लंच, अभी ये छोटे साहब देखो बैठे हुए अंदर लिमका पी रहे हैं बड़ी मस्त तरीके से, लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा इनसे और लिमका इनसे दबा के पिया जा रहा है। ये देखो लाओ अब थोड़ा खाना भी खा लो भाई साहब, थोड़ा खाना भी खा लो खाओ। तो ये आ चुके हैं हम ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री का गेट है ये, अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। और इस टाइम पे सीजन है तो सीजन के टाइम पे यहाँ पे काफी भीड़ है। तो फिलहाल ये देखिए ग्रीनरी है, सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं और ये है ताबो मोनेस्ट्री। और ताबो मोनेस्ट्री के पास में ही मतलब ये सिटी में है मेन, आपको इसके आसपास ही बहुत सारे होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। द ओनली डाउन साइड इज कि कॉस्टिंग जो है यहाँ पे वो होम स्टेज की बहुत ज़्यादा है, अराउंड 4,000-3,000 रुपीस अभी इन्होंने जो हमको चार्जेस बताए हैं। तो ये है जी ताबो मोनेस्ट्री, ये देखिए वाह। तो एक बार आपको इसका राउंड करवाते हैं ताबो मोनेस्ट्री का, फिर देखिए उधर जो है वो पुरानी मोनेस्ट्री है इनकी और ये इधर इनकी न्यू मोनेस्ट्री है। इनका स्तूपा है और ये इनका लकी व्हील है, जो फॉर्च्यून व्हील जिसको बोलते हैं, अभी इसको घुमाएंगे। तो ये अभी फॉर्चून व्हील घुमाया हमने, बहुत वेट था उसमें और इधर 1-5-7 टाइम्स आपको घुमाना होता है। तो ये पूरा मोनेस्ट्री है, ये देखिए ये है मोनेस्ट्री। अभी जा रहे हैं दूसरी तरफ ओल्ड मोनेस्ट्री देखने के लिए, देखते हैं कि वहाँ पे जाना अलाउड है कि नहीं है। तो ये पूरा मोनेस्ट्री का ग्राउंड है और इसके बैक साइड में यहाँ पे हेलीपैड भी है, ताबो का हेलीपैड है, तो वहाँ पे भी हम लोग अभी गए थे। और ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो उधर ताबो केव्स हैं जहाँ हम थोड़ी देर पहले गए थे वहाँ, और सामने देखिए कितना बड़ा पहाड़। और ये मेन मोनेस्ट्री, नई वाली मोनेस्ट्री जो बनाई गई है इन्होंने बनाई है, और ये है स्तूपा। ओल्ड मोनेस्ट्री, जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वो इसके अंदर है। हाँ जी, तो ये देखिए ये है इनकी ओल्ड मोनेस्ट्री यहाँ पे, और इस तरह के यहाँ पे मड हाउस बने हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे अंदर
जाएंगे अभी, देखते हैं अंदर क्या क्या है अंदर। फिर अगेन वही आई थिंक कि अंदर अलाउड नहीं होगा शूट करना, बिकॉज ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है ये सारा एनवायरनमेंट, और बहुत ज़रूरी भी है। अभी हम लोग ऊपर भी थे जहाँ आपने वहाँ देखा होगा ताबो केव्स, और केव्स के अंदर भी कुछ इसी तरह की पेंटिंग्स रखी हुई थी। एंड प्लीज़ लीव कैमराज मोबाइल हियर, फ्लैश लाइट्स फोटोज आर नॉट अलाउड। तो अंदर फ्लैश लाइट फोटोज जो है वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ से भी एक दरवाज़ा है इसका, यहाँ से भी आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह से हम इस तरफ चलते हैं, तो ये देखिए पूरा ये जो ओल्ड आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। और ये गुडलक का चाम होते हैं जो पत्थर इस तरह से रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे, और कुछ पत्थरों पे जैसा हमने नाकों में देखा था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी पत्थरों पे नक्काशी करी हुई है। तो अगर आपने हमारे नाकों का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वो भी काफ़ी डिटेल्ड ब्लॉग है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसमें। अगर आप ताबो नाको स्पीति वैली आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। और चलिए चलते हैं उस तरफ। ये कुछ कुछ मुझे जागेश्वर, जो हम लोग जागेश्वर गए थे, जैसे जागेश्वर मंदिर में पुराने पुराने पांडवकालीन मंदिर बनाए गए थे, पुराने नमूने थे, वही बिल्कुल हाँ कुछ कुछ मड हाउस जैसा है ना। तो ये थी ताबो की ओल्ड मोनेस्ट्री, इसके अंदर हम लोग गए थे, और यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है अंदर, आप फोटोज वगैरह या वीडियोस वगैरह नहीं ले सकते हैं। और अंदर दलाई लामा जी की फोटो थी, और उसके साथ में इनके जो एंशियंट गॉड्स हैं, भगवान देवता देवी देवता हैं, उनकी स्टैचूज लगे हुए थे। और जैसा हमने ऊपर देखा था वैसे ही ताबो केव्स की तरह यहाँ पे भी वॉल पेंटिंग्स थी, और वॉल पेंटिंग्स भी बहुत पुरानी पुरानी कई सदियों पुरानी वॉल पेंटिंग्स थी यहाँ पे। और बाकी जो वहाँ पे अंदर एक टॉर्च रखे हुए थे, तो आप टॉर्च लेकर के जो वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनमें डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करी गई है वो अगेन बुद्धिज़्म वाली लैंग्वेज है, तो हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी देखा काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और तो ये है जी नई मोनेस्ट्री, और पुरानी मोनेस्ट्री हमने दोनों देख ली डिटेल्ड में। पुरानी मोनेस्ट्री के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, जैसे ऊपर था उसी तरह का यहाँ पे इनका पुराना जो भगवान जी हैं और उनके सबकी डिटेल्स लिखी हुई है, तो वो सब लोग आप देख सकते हैं। एक बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको इस तरह के प्लेसेस पे आके बहुत शांति मिलती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंक्स हैं, ये सारे यहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख करके भी। तो अभी यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर के कुछ परचेजिंग करते हैं, क्योंकि शाम को डिनर की भी प्लानिंग करनी है बिफोर सनसेट, क्योंकि सनसेट होने के बाद मैं यहाँ, उसके बाद में ठंड शुरू हो जाती है एकदम से, जैसे ही सनसेट हुआ तो एकदम ठंड, बहुत तेज ठंड शुरू हो जाती है। तो वापस पापा ने मुझे इतना थकाया, पहले पेंटिंग दिखाने, उसके बाद वो केव दिखाने, उसके बाद नई मॉनेस्ट्री, फिर ओल्ड मॉनेस्ट्री, अब मैं निमका पी रहा हूं, पैर थक गए मेरे। हम आ चुके हैं वापस अपने होम स्टे में, आज भी हम यहीं रुकने वाले हैं। और अभी जो है वो सूर्य भगवान जो हैं आसमान में हैं, अपनी गर्मी की कृपा बनाए हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग डिनर की तैयारी कर लेते हैं फटाफट, और जैसे ही अंधेरा होगा, आज हमने गाड़ी इस तरफ से लगाई है क्योंकि कल हमने उल्टी लगाई थी, तो पीछे की साइड से बहुत तेज हवा आ रही थी और खाना बनाना मुश्किल हो गया था, तो आज थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है, देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और फिलहाल अभी तैयारी चल रही है डिनर की, और डिनर में क्या बन रहा है जी आज? आज बन रहा है मटर पनीर, और मैं कर रहा हूँ मम्मा पापा की हेल्प। वाह वाह, तो आज बनाएंगे जी मटर पनीर, मटर पनीर की तैयारी चल रही है, और सामान लोगों ने हमने वहाँ से ले लिया था, तो अभी मटर छिली जा रही है, उधर टमाटर हो गया, ये दूध लिया था, और एक मटर तो चाय के, और ये टमाटर वगैरह, और नींबू भी लिए हैं, आज पोहा बनाने का मन था लेकिन नींबू था नहीं, थोड़ा खट्टे वट्टे में, तो पनीर लिया है, पनीर भी यहाँ पे वही वाला था, ये देखिए। तो शुरू करते हैं बनाना, यहाँ पे मटर अभी ये वाले मिल रहे हैं, हाँ, फ्रोजन नहीं है, फ्रोजन मटर नहीं है, यहाँ पे शायद इनका सीजन है मटर का। तो मटर पनीर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसमें मैंने अनियन डाल दिए हैं, अब इसको करेंगे चॉप, हो जा। और आपको एक वीडियो में दिखाया था ना कि अगर मिनटों का काम घंटों में कराना हो तो मुझे बुलाओ, मैंने मिनटों का काम सेकंड में कर दिया। अभी जब इनको धोना था तब मम्मा पापा होते तो 50 मिनट कर पाते, मैंने 50 सेकंड में कर दिया। वेरी गुड यार कुकू, बहुत स्मार्ट हो आप। तो हम बैठे फिर अंदर, आप खाना वाना खिलाओ हमें बढ़िया तरीके से। तो अनियन चॉप हो गए हैं, और आलू टमाटर, और यहाँ पे मटर, फ्रेश मटर हैं, ये हमने धो के रख दिए हैं, अब इसको हम
गैस ऑन कर दिया है, एक बार ही थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें डालते हैं ऑयल। और मैं कर रहा हूँ हेल्प। हेल्प खराब मत कर देना भाई उसे। ये हमने डाल तेल गर्म हो गया है और मैंने डाल दिया जीरा और ये मैंने प्याज डाल दिए हैं इसमें। जब तक ये भुनता है तब तक मैं टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ, तो इसको होने देते हैं। इधर टमाटर की तैयारी। बस हो गया। तो हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। हवा बहुत तेज चल रही है तो ये सब चीज उड़ा जा रहा है, तो इसलिए फटाफट करना पड़ा है। ये टमाटर भुन जाते हैं फिर हम इसमें डालते हैं कुछ बेसिक मसाले। तो हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मटर और आलू। ये गए मटर आलू। अब हम डाल रहे हैं इसमें पनीर। यहाँ का पनीर थोड़ा अलग है और थोड़ा सा टाइट है, अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखिए सब मिक्स हो गया अच्छे से, आलू मटर और ये पनीर, मसाला भी भुन गया है और ये सारी चीजें मिक्स हो गई अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे और सीटी लगा देंगे। गाइस मैं हूँ जादूगर कुकू और मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। मैं इस टोपी के अंदर एक टोपी निकालूंगा। 1 2 3 पहले से पहन के आया था ना। तो अब बन रही है रोटी, सब्जी बन गई है, रोटी की तैयारी हो रही है। आज थोड़ी हवा कम है तो रोटी बन जा रही है, नहीं तो कल तो बिल्कुल भी रोटी नहीं बन पा रही थी, पराठा बनाया था फिर। तो आज तो देखिए, ये देखिए फुलके तैयार हो चुके हैं जी। आइए हमारे साथ खाइए फुलके। वाह, तो घर के बाहर भी ऐसे फुलके खाने को मिल रहे हैं तो क्या ही कहने। तो आज तो हमारी पार्टी हो गई है, क्यों मटर पनीर प्लस फुलके। चलो जी बनाते हैं और उसके बाद रात में सोने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब सूर्य देखिए सूरज जो है वो छुप गया है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो फटाफट सामान अपना बना करके पीछे सेट करते हैं, बेड खोलते हैं अपना, और खाने को तो फिर हम अंदर ही रख लेंगे और कल जैसे हमने रात में खा लिया था वैसे ही गर्म करके खा लेंगे। तो ये देखिए जी रात होने वाली है और हम लोगों का सब सेटअप हो चुका है और सारा सामान हमने आगे रख दिया है, बाहर कुछ भी नहीं फैला है। और ये जो पानी की बोतलें हैं और ये बर्तन का थैला है ये तो यहाँ पर रख सकते हैं, कोई सेफ कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए अंदर ये हॉटकेस में रोटी बनाई थी उसमें सब्जी है और ये हमारा टिफ़िन है। एक दो बैग हमारे आगे आ गए, ये टॉयलेट टेंट आगे आ गया और पीछे पूरा बेड सेटअप हो चुका है। ये चाय है, चाय बन रही है, एक बार चाय बन जाएगी खोल जाएगी, चाय पी के फिर इसको भी सेट कर देंगे। तो ऑल गुड, अब आराम से बैठ के चाय पीते हैं अंदर और वेट करते हैं अंधेरा होने का, उसके बाद करेंगे डिनर और फिर सोएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम रात में खाना खाते हैं। ये देखिए अपना सारा कुछ टिफिन विफिन अंदर है, ये ऊपर फेरी लाइट जल रही है, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं, सारा सेट हो चुका है। इधर पर्दे लग चुके हैं ये देखिए, और इधर कुकू भाई अपना सेट है, और ये हमारी प्लेट है, ये देखिए पनीर की मटर पनीर बनाया था हमने और रोटी, और ये हो गया हमारा कुकर, ये हमारा हॉटकेस। तो अभी हम ये सब खाना वाना खाने के बाद इन्हीं को आगे सेट कर देंगे और जो जूठे बर्तन होंगे उनको कल सुबह धोएंगे।